हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और एक्सेल में एक नई ट्रिक सिखाने आ गया हूं मैं फिर से। तो चलिए आइए देखते हैं आज का ये नया ट्रिक है क्या। सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं। ये एक्सेल हमारा ओपन हो चुका है और यहां पे देख सकते हैं एक बड़ा सा डाटा हमारे पास मौजूद है और ये जो डेटा है इसको आप देख सकते हैं। और हम ये चाहते हैं ना कि इस ये जो देख सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट 6 लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा कॉलम जो है यहाँ पर मूव कर जाए, यानी डी में मूव कर जाए। तो इसके लिए कई तरीके होते हैं। आप क्या करते हैं यहाँ पे इसको इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, कट और पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट तरीका है। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कोने में कॉर्नर पे चले जाइए यहाँ पे, और जैसा ही ये फोर हेडेड एरो बने शिफ्ट दबा लीजिए और शिफ्ट दबा करके जहां पर भी इसको लेके जाना है वहां पर लेके जाइए, यहाँ पे लेके आए, ठीक है। और माउस का लेफ्ट बटन भी दबाए रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो जैसे ही छोड़ेंगे तो आप देखेंगे 1, 2, 3 और यहाँ 6 आ चुका है और 4 और 5 इधर साइड में हो गया है। मैं फिर एक बार दिखाता हूँ कैसे करना है। ये 5 वाले को आप मान लीजिए मूव करना है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके यहाँ से जाइए और शिफ्ट दबाए रखिएगा और माउस का लेफ्ट बटन भी, ठीक है। यहाँ पे जब फोर हेडेड एरो बने तो शिफ्ट दबा लीजिए और फिर इस तरीके से जा करके अब इसको सेकेंड वाले में रखते हैं। तो यहाँ पे रखना है, आप इसको छोड़ दीजिए, ये हो गया। तो ये ऑटोमेटिक बहुत आसानी से चेंज हो जाएगा, बहुत आसानी से, ठीक है। तो आपको बार बार कट और पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।